नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में बोलते हुए कहा कि देश अपने कोविड 19 मामलों और मौतों को सीमित करने में सक्षम रहा है। हर्षवर्धन ने दोहराया कि सरकार द्वारा लॉकडाउन एक साहसिक निर्णय था, जिससे लगभग 14 से 29 लाख मामलों को कम कर दिया और 37,000 से 78,000 लोगों की जिंदगियों को बचाया। हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना के कुल मरीजों में 92% माइल्ड श्रेणी के हैं, केवल 5.8% मरीजों को ही ऑक्सीजन सपोर्ट और 1.7% को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ रही है। हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 4 महीने में सरकार पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई की पुख्ता तैयारी करने में सफल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान और कड़ाई से लॉकडाउन लागू कराने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इन कठोर कदमों की वजह से शुरुआती दौर में संक्रमण के फैलने की गति को रोकने में अहम सफलता मिली। इस कारण 14 से 29 लाख तक लोगों को संक्रमण से बचाने में सफलता मिली। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में पिछले शुक्रवार तक 2,89,00,000 संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 9.05 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह दुनिया का औसत मृत्यु दर 3.2% है। वहीं भारत में शुक्रवार तक 45,62,414 केस और इससे 76,271 मौतों के साथ मृत्यु दर 1.67% ही है। वहीं भारत में रिकवरी रेट भी 77.65% पहुंच गया है। प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो भारत में केवल 55 लोगों की मौत हुई है, जबकि दुनिया के विकसित देशों में 600 मौतें हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड 19 को सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक चुनौती के तौर पर लिया। हर्षवर्धन ने कहा कि शुरुआत में सरकार के उपायों की वजह से कोरोना के संक्रमण को कम करने में सफलता मिली, जिससे तैयारियों का मौका मिल गया। अप्रैल तक टेस्टिंग किट के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर देश अब इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। उन्होंने बताया कि पीपीई किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर जैसे जरूरी उपकरणों के मामले में भी देश आत्मनिर्भर हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।